Konnichiwa. Sup, anime lovers. One Piece original theory video is here, baby girl. बहुत टाइम हो गया ना. आज के वीडियो वाली थ्योरी मैंने एक महीने पहले से सोच रखा था, बट अब जाके मेरे को ऐसा लगा कि हाँ चलो अब टॉपिक की कमी हुई है. लेट्स ब्रिंग द वीडियो ऑन दिस थ्योरी. टॉपिक इज कैसे शैंक्स, हाँ शैंक्स, अपने हाथ को एक फुद्दू से सीकिंग को दे दिया. ऐसे ही बोलते हैं ना बहुत लोग कि शैंक्स ने लूफी के सामने मिसाल रखने के लिए अपना हाथ जानबूझ के सीकिंग से कटवा लिया. ब्रो, ही इज शैंक्स, नॉट सेलमोन भोई जिसका कोई भी आके काट के चल देगी. लेकिन लव सीन को इंटेंस बनाने के लिए बस ओडा ने शैंक्स का हाथ काटा था. फालतू का लॉजिक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे तू. फ्रो, जब ओडा शैंक्स के सीकिंग को डरा के भगा देने वाले सीन को कॉन्करर साकी बता के उसके पीछे का लॉजिक बता सकते हैं, तो शैंक्स का हाथ के ऊपर भी तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना. एंड मैं इस वीडियो में बताया हुआ थ्योरी के साथ तुमको एक मस्त लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने वाला है. मतलब कि क्यों शैंक्स का हाथ सीकिंग ले चले गया, मतलब कैसे सीकिंग जो है शैंक्स का हाथ इतनी ईजिली काट के भग गया एंड शैंक्स कुछ कर नहीं पाया. जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही मुझे पता है कि तुम भी मेरा इंट्रो देखने के लिए तड़प रहे हो. मुझे पता है, मुझे सब पता है. तो ये लो इंट्रो, लेट्स बिगिन. बिफोर टेलिंग दी थ्योरी, मैं तुमको बताना चाहता है crazychip.in के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन एनिमे मर्चेंडाइज स्टोर है. इनका एक IG पेज है जहाँ पे बहुत सारे एनिमे के मर्च इन स्पेसिफिक टी शर्ट्स एंड हुडीज अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में तुमको इनके इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ से इस पेज को चेकआउट कर सकते हो. इनके पेज में सच में बहुत बढ़िया बढ़िया मर्च है. एंड अबाउट कि कैसे इन मर्च को तुम खरीद सकते हो, तो सिंपली इंस्टाग्राम पेज में जाओ, इनके जो भी टी शर्ट या हुडी तुमको पसंद है उसको या तो इनको भेज दो थ्रू DM, या फिर तुम उसी के कमेंट में लिख दो कि आई वॉन्ट टू परचेज दिस, एंड तुमको फिर क्रेजी चैंप खुद ही DM के थ्रू अप्रोच कर देगी. एंड अबाउट कि क्या ये पेज पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, तो आंसर है हाँ, 100% ट्रस्ट कर सकते हो. और अगर मेरे बोलने पे भी तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, तो क्रेजी चिम तुमको कैश ऑन डिलीवरी का फीचर प्रोवाइड करता है. तो या अबाउट दी क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं बोलेगा कि एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी, एकदम ही बढ़िया सच में. एंड आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट, आई एम सेइंग इट जेन्युइनली. दे सेंट मी दिस ब्रूक हुडी, एंड तुमको तो पता ही है भाई ब्रूक मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, मेरा सेकेंड फेवरेट स्ट्रॉ हैट है. एंड तुम क्वालिटी देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम मजा आ गया ऐसा क्वालिटी देख के मेरे को तो भाई. तो आई एम टेलिंग यू क्वालिटी बहुत बढ़िया है. साइज के मामले में अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, तो तुम इनको अपना हाइट वेट बता के अपने लिए परफेक्ट साइज पूछ सकते हो, मतलब इनके ओपिनियन पे, जो कि मोस्ट लाइकली सही होगा क्योंकि यार दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस. ठीक है, प्राइस बहुत रीजनेबल, कम में बम वाला चीज़ है यहाँ के प्रोडक्ट्स. एंड वन पीस फैंस के लिए तो ये स्टोर जेम है, कंसिडरिंग कि बहुत सारे स्टोर्स में वन पीस के मर्च ज़्यादा नहीं होते, बट यहाँ पे बहुत वन पीस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. दूसरे एनिमे के भी है जैसे कि ड्रैगन बॉल, नारुतो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वन पीस के भी है विच इज़ रेयर नाउ अ डेज. फिर से बोल रहा, डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, डू चेक इट आउट, crazychip.in. नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट टेलिंग यू माई थ्योरी. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड कि जब शैंक्स कॉन्करर था कि यूज़ करके उस सीकिंग की फाड़ सकता था, तो फिर वो स्टार्टिंग से, मतलब वो माउंटेन बैंडिट्स के अगेंस्ट ही कॉन्करर था कि यूज़ करके उनको क्यों नहीं हरा दिया था. ऑल्सो शैंक्स एज वी नो इज क्रेजी स्ट्रॉन्ग, अभी भी और उस टाइम भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई, मतलब इवन वाइट बियर्ड वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन उस टाइम कभी और 2 साल पहले कभी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन उसको और मिहोक को क्रेजी स्ट्रॉन्ग कंसिडर करता था. तो शैंक्स के लिए कितना ही दिक्कत होता है यार उस सीकिंग को नॉक करने में, या फिर उसको दूर से ही डरा के भगा देने में. फिर भी शैंक्स पानी में गया, चलो लूफी के लिए गया मानता हूँ, लेकिन फिर भी फॉर समवन हु यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट मिहोक इन 1v1, शैंक्स का ऐसे अपना मेन हाथ खो देना साउंड्स लेम, बट वॉट इफ शैंक्स एक्चुअली में उस टाइम अपने आप को डिफेंड करने के लायक स्ट्रॉन्ग ही नहीं था. इसको अच्छे से समझने के लिए अपन थोड़ा सा कॉन्करर साकी के बारे में जानते हैं. विल से कनेक्टेड है वो सब, वैसे हम नहीं बताने वाला, मतलब कॉन्करर साकी विल से कनेक्टेड होता है ऐसा वैसा नहीं बताने वाला. ठीक है, कुछ और बता रहे हैं, सुनो. हमने बहुत बार कॉन्करर साकी को यूज़ होते हुए देखा है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम तो लूफी यूज़ करता है, मतलब उसी को यूज़ करते हुए हमने देखा है. बट हैव यू नोटिस्ड कि लूफी हमेशा एक लिमिट में ही कॉन्करर साकी यूज़ करता है? एग्जाम्पल के लिए वानो में ही देख लो, ओनिगाशिमा रेड के टाइम पे लॉन्डे पे इतने सारे काइडो के आदमी चढ़ रहे थे, नॉट इन दैट वे, ठीक है, गंदी सोच, लेकिन लूफी उन लोगों को कॉन्करर साकी से नॉक कर ही नहीं रहा था. उनको तुरंत नॉक करके भी वो काइडो के पास जा सकता था ना, लेकिन वो उनको दूसरों के हवाले छोड़ के काइडो से सीधा लड़ने की कोशिश में था.
विच टेल्स अस कि कॉन्करर साथी इज एग्जॉस्टिंग. लूफी इसलिए उनको कॉन्करर साथी यूज करके नॉकआउट नहीं किया था क्योंकि वो अपना एनर्जी बचाना चाहता था ताकि वो काइडो से अच्छे से लड़ सके और पिट सके. स्पॉइलर हो गया यार, तो एक बड़ा मांगा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अभी मैं मांगा के कुछ मेजर स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाला है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लूफी वर्सेस काइडो. अभी लूफी काइडो का फोर्थ राउंड चल रहा है, लेकिन अपन बात करने वाले राउंड थर्ड का, मतलब थर्ड राउंड का, मतलब लूफी वर्सेस काइडो चैप्टर 1010 से 1013 तक. चैप्टर 1010 में लूफी ने फिगर आउट किया था कि कॉन्करर साकी को इन्फ्यूज करके एज एन ऑफेंस भी यूज़ किया जा सकता है. ऑफेंस माने वो पंचिंग वंचिंग में भी यूज़ किया जा सकता है. एंड उसी को यूज़ करके लूफी ने काइडो पे दो खतरनाक शॉट मारा था, पंचस मारा था आई शूट से. फक भाई, क्या डबल डबल मीनिंग साउंड कर रहा मैं, छी. एंड फॉर अ वाइल, मतलब 20-30 मिनट तक लूफी काइडो से इक्वली लड़ रहा था बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्निक AKA कॉन्करर साकी इन्फ्यूजन. लेकिन फिर क्या हुआ, चैप्टर 1013 में लूफी पानी में गिरते हुए दिखा एंड ऑफ राउंड 3. बट तुमने नोटिस किया कि लूफी को काइडो ने पानी में नहीं फेंका था, बल्कि लूफी खुद से पानी में गिर गया था. रीजन बिहाइंड दिस इज काइडो का डिसअपॉइंटमेंट. काइडो खुद बोला कि मेरे को तेरा सर काट देना चाहिए था, अब तेरे क्रूमेट्स होप करेंगे ऐसा वैसा. विच इनडायरेक्टली टेल्स अस कि काइडो को अगर लूफी को मारना होता तो वो कन्फर्म किल करता उसको, ऐसे फूदो टाइप उसको पानी में नहीं फेंक देता. एंड काइडो बोल भी रहा था कि कौन सा अटैक था, गोमो गोमोनो करके. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि लूफी काइडो पे कुछ गोमो गोमोनो करके अटैक कर रहा था, बट फिर अचानक से वो बेहोश हो गया और वो पानी में गिर गया. क्यों बेहोश हुआ, बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, EXHAUSTION. और वो इतना थक क्यों गया था, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ कॉन्करर्स हाकी. अच्छा, अभी तक ओनिगाशो में जो वॉर हो रहा है उसमें तुमने कभी सोचा कि काइडो इतना ज़्यादा कैसे थक गया है? हाँ, मुझे पता है कि काइडो ओनिगाशो को कैरी कर रहा है, प्लस वो लूफी से चार राउंड लड़ा, यामाटो से लड़ा, जोरोलो से लड़ा, अकाजा से लड़ा. इतने लड़ने के बाद भी वो अभी भी लूफी से स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है ये सब. ठीक है, मैंने खुद ये सब बहुत बार बोल चुका है, आई नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, बट फिर भी इतना ज़्यादा थकना, वो भी काइडो का, दिस इज़ नॉट समथिंग ऑर्डिनरी. ही इज़ अ योंको ब्रो, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर्स के नाम से जाने वाला योंको. उसके लिए इतने सब से इतना ज़्यादा थक जाना इज स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज. बट देयर माइट बी अ परफेक्ट रीज़न बिहाइंड दिस, एंड दैट इज़ कि काइडो हद से ज़्यादा कॉन्करर साकी यूज़ कर रहा है. अगर तुम काइडो की फाइट्स थ्रू आउट वॉर नोटिस करोगे तो तुम देखोगे कि देयर वर मल्टीपल टाइम्स जब काइडो कॉन्करर साकी को इन्फ्यूज नहीं किया था. जैसे कि चैप्टर 1009 में काइडो लूफी को दो हिट्स मारता है जिसमें से एक इन्फ्यूज अटैक होता है जिससे लूफी नॉकड आउट हो जाता है, लेकिन उससे पहले वाला वो एक नॉर्मल ब्रूट स्ट्रेंथ वाला अटैक होता है बस. एंड ये चीज़ ना काइडो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक लूफी वापस से उससे लड़ने नहीं आया. मतलब कि यामाटो से लड़ने तक ना काइडो बहुत बार इन्फ्यूज अटैक यूज़ कर रहा था, बट बहुत बार नहीं भी कर रहा था. और लूफी के वापस आने के बाद काइडो बहुत ज़्यादा कॉन्करर साकी इन्फ्यूज अटैक्स यूज़ करने लगा, विच माइट बी द रीज़न वाई ही इज सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ. ऑल्सो अबाउट लूफी, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, लूफी चैप्टर 10010 से 10013 के बीच बिना रुके कॉन्करर साकी को इन्फ्यूज करके अटैक्स यूज़ कर रहा था, विच माइट बी द रीज़न कि क्यों वो बेहोश होके पानी में गिर गया था. और वापस आने के बाद लूफी बहुत सोच समझ के कॉन्करर साकी यूज़ करते हुए दिखा है. जैसे कि जहाँ पे वो नॉर्मल अटैक कर सकता है वहाँ पे वो नॉर्मल अटैक करता है, और फिर जाके वो कॉन्करर साकी इन्फ्यूज अटैक करता है ताकि वो एग्जॉशन को कंट्रोल में रख सके. एंड दिस एग्जॉशन थिंग ऑल्सो अप्लाइज इन यामाटोज एंड जोरोज केस. दोनों कॉन्करर साकी के इन्फ्यूजन यूज़ करने के बाद हद से ज़्यादा थक गए थे. यामाटो तो अभी भी थकी हुई है, जोरो भी. और ये सब बता के आई एम कन्फर्मिंग वन थिंग कि कॉन्करर साकी को हद से ज़्यादा यूज़ करने से बहुत बहुत थकावट हो जाती है. और अभी तक हमने जितना भी टॉप टीयर्स के ढंग के फाइट्स देखे हैं जिसपे कॉन्करर साकी का यूज़ हुआ है अच्छा खासा, तो हर टॉप टीयर फाइट करने के बाद रेस्ट और चिल करते हुए दिखा है. जैसे कि वाइट बियर्ड रॉजर 3-4 दिन लड़े फिर रेस्ट किए, बिग मम काइडो 3 दिन लड़े फिर रेस्ट किए, लूफी नॉकआउट हुआ थक के फिर रेस्ट किया उसके बाद आ पाया. तो इट इज़ क्लियर कि ओवर यूज ऑफ कॉन्करर साकी के बाद एक अच्छा खासा रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. और हैव यू एवर थॉट कि शैंक्स एग्जैक्टली क्या कर रहा था लूफी वाले आइलैंड में? मतलब मांगा में अपने को बताया है हुजहू ने कि शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से गोमो गोमोनो में चुराया था, तो उसको चुरा के वो एक रैंडम आइलैंड पे क्यों गया? क्योंकि मे बी उसने गोमो गोमोनो को पाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉन्करर साकी यूज़ किया था, विच इज़ वाई उस आइलैंड में रुक के शैंक्स रेस्ट एंड रिकवर कर रहा था. और शायद से इस रिकवर पीरियड में कॉन्करर साकी को यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, विच माइट बी द रीज़न कि शैंक्स जैसा क्रेजी पावरफुल कैरेक्टर उन फुद्दू से माउंटेन बैंडिट्स को उसी टाइम कॉन्करर साकी से क्यों नहीं नॉक किया.
एंड क्योंकि शैंक्स अपने रिकवरिंग पीरियड में था, शैंक्स उस सीकिंग को भी दूर से नहीं डरा पाया या फिर नॉक कर पाया, और हाकी के लक की वजह से उसको खुद से लूफी को खींचना पड़ा, इन विच ही लूज हिज हैंड आई शुड से माई मेरी इंग्लिश। फिर शैंक्स अपनी पूरी एनर्जी यूज करके किसी वे में सीकिंग को डराने लायक कॉन्करर हाकी यूज कर पाया। एंड दिस रिकवरी पीरियड थिंग, दिस माइट बी एक्चुअली द परफेक्ट कॉन ऑफ एडवांस्ड कॉन्करर हाकी, क्योंकि खुद सोचो ना यार, कॉन्करर हाकी के इन्फ्यूजन का यूज करने का कुछ तो डिसएडवांटेज होना चाहिए ना, वरना ये तो एक परफेक्ट वे ऑफ अटैकिंग हो जाएगा ना। और इस वे में ना लूफी के पास एक एक्चुअल रीजन होगा इस स्किल पे और बेटर होने के लिए, क्योंकि अगर कुछ डिसएडवांटेज नहीं हुआ एडवांस कॉन्करर हाकी का, ए के ए कॉन्करर हाकी इन्फ्यूजन का, तो फिर लूफी को तो एक अलग ही पावर अप लगेगा ना स्ट्रांग होने के लिए। बट दिस वे लूफी एक्चुअली में अपने रिकवरी टाइम को कम करके अपने कॉन्करर हाकी को स्ट्रांग बना सकता है। एंड हाँ, तुम बोल सकते हो कि लूफी तो एग्जॉशन से गिर गया था भाई ओडीगाच में से, है ना, तो फिर लूफी को भी शैंक्स जैसे टाइम लगना चाहिए था ना वापस से कॉन्करर हाकी यूज करने के लिए। तुम एकदम सही हो, एकदम तुम्हारे लिए चुम्मा अगर तुम ये दिमाग लगा पाए तो। बट द थिंग इज, इसके पीछे भी मेरे पास एक रीज़न है, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों लूफी कॉन्करर हाकी इतनी जल्दी यूज़ कर पाया। लूफी एक रबर मैन है, और तुमने देखा है ना कि कैसे जानवर जैसा वो इतना सारा राशन खा जाता है, विच माइट बी वायर लूफी बहुत जल्दी रिकवर करता है कंपेयर टू अदर्स। तो इट इज़ पॉसिबल कि लूफी के इतना ज़्यादा खाने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए, मे बी इक्का दुक्का घंटा या फिर जो भी है, कुछ टाइम के लिए कॉन्करर हाकी यूज़ कर पा रहा है। और अभी जब लूफी का फाइट खत्म हो जाएगा तब आई बिलीव लूफी भी कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ नहीं अच्छे खासे टाइम के लिए, कॉन्करर हाकी यूज़ नहीं कर पाएगा, उसके कैपेबल नहीं होगा। क्या पता कोई भी हाकी यूज़ करेंगे कैपेबल ना हो भाई, क्या पता, जैसे लूफी गियर फोर्थ के ओवर यूज़ करने के बाद हो जाते हैं ना, वैसे ही शायद इस फाइट के बाद भी हो जाए लूफी। ऑल्सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स कि क्यों काइडो, बिग मॉम, योंको होकर भी इस वॉर में लड़ते लड़ते थक गए हैं। मतलब लिटरली 7-8 घंटों में इन लोग इतने थक गए हैं। और अगर ये थ्योरी एकदम सही होता है ना, अगर ये थ्योरी फ्यूचर में आके सही होता है, तो सिंपल सा रीज़न हम लोग को पता चल जाएगा कि क्यों अकाइनू और आउकी जी 10 दिन तक लड़ पाए थे, लेकिन वहीं पे काइडो बिग मॉम घंटों में ही इतने थक गए हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्करर हाकी यूज़ नहीं किया था ना। और कोई होशियार आके बोल सकता है कि भाई ओडा ने ना खुद से बोला था कि वो शैंक्स का हाथ नहीं काट रहे थे, बट उनके एडिटर ने बोला थोड़ा बेटर बना सीन करके उन्होंने हाथ काट दिया शैंक्स का। देखो, पहली बात, आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि ओडा ने ऐसा कुछ बोला है, मेरे को एकदम से भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जैसे कि वो मरते हुए बच्चे वाला न्यूज़, किस धूर ने वो स्टोरी बनाया था पता नहीं, कि ओडा ने एक कैंसर वाले बच्चे को जो कि मरने वाला था उसको वन पीस क्या है बताया था एज हिज लास्ट विश, अजी घंटा फेक न्यूज़ है वो, समझे, बिलीव मत करना, ठीक है। तो अगर ओडा ने वो एडिटर वाला चीज़ सच में बोला भी है ना, तो भी अगर ये सीन सिर्फ इम्पैक्टफुल बनाने के लिए डाला ओडा ने, हाथ कटने वाला सीन, तो फिर अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ प्लॉट होल, जो कि मुझे सच में नहीं लगता कि ये एक प्लॉट होल है, कंसिडरिंग कि ओडा कम ही प्लॉट होल्स क्रिएट करता है। बट येस, दिस वॉज ऑल माई थ्योरी। मेरा रीज़न इस थ्योरी को इतना डिटेल में बताने का ये है कि मैं एकदम कन्विंस करना चाहता था तुम सबको कि दिस माइट बी द एग्जैक्ट केस एज ऑफ वाई शैंक्स लूज हिज आर्म अगेंस्ट अ मियर सी किंग। और हाँ, शैंक्स ने जानबूझ के अपना हाथ काट दिया ताकि वो लूफी को मोटिवेट कर सके, ये चीज़ बोलने वालों, शैंक्स को इतना बड़ा फुद्दू समझो क्या कि वो अपना मेन ही हाथ दे देगा सी किंग को, मतलब अगर उसको मोटिवेट ही करना था तो वो अपना राइट हैंड दे देता जो कि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, लेकिन नहीं, उसको अपना लेफ्ट हैंड देना है ना भाई, जिसको वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता था, है ना, क्योंकि भाई वी कैन सी कि शैंक्स बचपन से जब तक उसका हाथ नहीं कटा तब तक वो भाई लेफ्ट हैंड में ही अपना स्वॉर्ड पकड़ता था, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो लेफ्ट ही था एंड उसने अपना सी किंग को लेफ्ट हैंड ही दे दिया। वाओ, वेरी नाइस। एंड दैट्स इट, थ्योरी सिंपल थी बट आई होप कि तुमको पसंद आई होगी। डू नॉट, गलती से भी डू नॉट मिस क्रेजी चिम्प, जाओ भाई जल्दी चेकआउट करो उनको। और बस यार, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू माइट चेकआउट, यू कैन चेकआउट एक्चुअली, बाइट गलत वर्ड है, ठीक है, एक एम करते हैं, ठीक है, लाइक एम वाइक एम तो भाई बहुत पुराना चीज़ हो गया, ठीक है, लेट्स एम फॉर 400 आवर्स वॉच टाइम। हाँ, मैं वॉच टाइम पे एम कर रहा भाई, फॉर रियल, ओके, आई एम जीनियस, मैं कितना यूनिक काम करता है, बट हाँ, लेट्स सी कि इस वीडियो में एक महीने में, एक महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट लेट्स सी कि दो हफ्तों में इस वीडियो में 400 घंटे वॉच टाइम आता है कि नहीं।
400 घंटे नॉर्मल नहीं है मेरे एक वीडियो के लिए, तो दिस विल बी अ बिग वॉच टाइम एम, ठीक है? तो वीडियो पूरा बार बार देखो यार, वॉच टाइम दो मेरे को मस्त, एंड चलो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय सायोनारा. お前はもう死んでいる.